जिस हरि नाम के प्रभाव से भगवान शंकर तलातल से निकला हुआ हलाहल विष को पी लिया है, तो भगवान के नाम के सिवा और क्या इससे भला श्रेष्ठ हो सकता है। तो भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन के टाइम तलातल से निकला हुआ हलाहल विष पिए थे, ये बहुत खतरनाक है। इससे ज़्यादा कोई और बड़ा विष नहीं है, बहुत डेंजरस पॉइजन है, इसको पीना भी नहीं पड़ता। अगर कोई सूंघ लेते, सूंघना तो थोड़ी बात है, छोड़ो, थोड़ा उसके पास भी जाएगा तो मर जाता है जीव। बहुत खतरनाक जहर है, विष है। अगर कोई जमीन में पड़ जाए, जहाँ पड़ जाए उस जगह को पूरा गला देगा, पिघला देगा उस जगह को। लोहा हो, पत्थर हो, कोई भी हो, सब कुछ पिघला देगा ये जहर। तो ऐसा जो खतरनाक जहर विष किसने पिया? शिव जी ने पिया, भगवान महादेव ने पिया है। लेकिन क्योंकि शिव जी के गले में हमेशा किसके नाम रहता है? हरि का नाम। और भगवान हरि जो है वो उज्ज्वल नीलमणि है, इसीलिए भगवान शंकर की जो गला है, जो कंठ है, वो नीला है। तो वो जो विष जो था, जहर जो था, वो किस वजह से असर नहीं किया महादेव पे, प्रभाव नहीं किया? वो हरि नाम। हरि ने सोचा कि मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है शिव शंकर, तो क्या उसके ऊपर ये जहर असर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। शिव जी के गले में भगवान नाम के रूप में उपस्थित है। उज्ज्वल नीलमणि जो है वो शिव जी के गले में स्थित है। वो जो सारे जहर है, पॉइजन है, उस नाम ने मिटिगेट कर दिया। किसके प्रभाव से शिव जी ने इस जहर को मिटिगेट किया? नाम के प्रभाव से। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा में अगर कोई डिफिकल्टी कार्य लेते हैं, कोई डिफिकल्ट काम, विष के समान बहुत तकलीफ वाला सेवा लेते हैं, तो जो नाम है, हरिनाम चंटिंग है, वो हमें मदद करते हैं, उसकी प्रभाव असर करता है उस काम में। आसानी से कर जाते हो सेवा, जो भी काम है, जिम्मेदारी लेते हैं तो आसानी से कर पाते हैं। प्रभु का जो नाम है, उसकी प्रभाव से जितने भी कठिनाई है, बाधाएं है, उस सेवाओं में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, वो सारे हटा देंगे भगवान। हमको हमेशा नाम लेते रहना चाहिए। और शिव जी जो है वो तो शुद्ध नाम लेते हैं हमेशा। उनका तो नाम अपराध, नामाभास, ये सब कुछ नहीं है, शुद्ध नाम लेते हैं भगवान के शिव जी। ये जो हरि नाम है, हलाहल विष को भी मिटिगेट कर दिया, नलीफाई कर दिया, निगल गए महादेव। उनका जो नीलकंठ नाम है वो इसीलिए है कि भगवान हरि श्री कृष्ण उज्ज्वल नीलमणि के द्वारा उनके गले में है, नाम के रूप में। नीलमणि कृष्ण उनको महादेव हमेशा अपने गले में रखते हैं। दैट्स व्हाई महादेव इज नीलकंठा। बहुत सारे लोगों को लगते हैं विष था, हलाहल केमिकल रिएक्शन कर गए महादेव के गले में, इसलिए नीला हो गए। ये सब सारी बेकार की बातें, बकवास है। और भी बहुत सारे बकवास करते हैं कि सीप साइनाइड बन गए, पोटेशियम साइनाइड जो होता है, उनका सीप साइनाइड हो गए तो नीला पड़ गए। सारे बकवास ही बातें करते हैं। पोटेशियम साइनाइड के CN, तो उनका जो है सीप नेक साइनाइड, इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया, वो नीलकंठ हो गए। कुछ भी बकवास करते हैं। किसी भी पॉइजन में, किसी भी बीज में, जहर में इतना औकात नहीं है, ताकत नहीं है कि महादेव के गले को नीला पीला कर दे, जहरीला बना दे, असर कर जाए महादेव पे। किसी भी बीज में, किसी भी पॉइजन में इतना औकात नहीं है। शिवजी दिव्य है, रुद्र अवतार है भगवान के। ये हरि का नाम का प्रभाव है, उज्ज्वल नीलमणि का प्रभाव है, जो हमेशा शिव जी के गले में है, इसलिए उनका गला नीला रहता है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीवा प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।